Hello, my dear students. Welcome again in my YouTube channel. Today, we are going to discuss a very important topic, that is natural reflexes and acquired reflexes. So, I will give you a comparative chart here between natural and acquired reflexes. So, natural reflexes are basically what? I am using different color here. You can write here natural reflexes are unconditioned reflexes. These are unconditioned reflexes and acquired reflexes are conditioned reflexes. ओके और दूसरी बात अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो जो नेचुरल और अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं ये सर्टेन रिफ्लेक्स है दैट इवन अ न्यू बॉर्न बेबी डिस्प्लेस अनकंडीशन है नेचुरल है तो ये न्यूली बॉर्न बेबी में देखा जाता है न्यूली बॉर्न बेबी मीन्स यहाँ पे कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं करनी पड़ती है अनकंडीशन बॉडी के पास अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी स्टिमुलस का तो वो स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करती रहती है और ऐसे रिस्पॉन्सेस को ऐसे एक्शन को हम लोग नेचुरल रिफ्लेक्स बोलते हैं अगर कोई स्टिमुलस नहीं है उसके पास दीज आर द रिस्पॉन्सेस टू ए नेचुरल अनकंडीशन आपको याद रखना है नेचुरल है और अनकंडीशन जैसे कि एग्जाम्पल की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें जैसे सेलिब्रेशन टू द टेस्ट ऑफ फूड व्हेन द फूड इज टेस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम जब कभी आप पहली बार कोई फूड खाते हैं तो सेलिब्रेशन जो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स इन स्ट्रॉन्ग लाइट आफ्टर बर्थ एंड ग्रास रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी दीज आर द एग्जाम्पल्स तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक सेलिब्रेशन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ pupil and a strong light after birth और दूसरी तरफ अगर हम लोग acquired reflexes की students बात करें तो जो acquired reflex है वो conditioned reflex okay ये conditioned reflex है और ये acquired तब होता है as a result of कोई आपके पास एक कोई experience अगर हुआ है तो ही आपको ये reflex मिलेगा as a result of some experience When an action is done repeatedly, अगर कोई action कोई repeatedly किया जा रहा है nervous system learn to react to stimulus automatically. और जो new reflex होगा उसको हम लोग acquired या conditioned reflex बोलेंगे यहाँ पे acquired है और conditioned है आप इन दोनों points को याद रखेंगे और ऐसा भी कह सकते हैं ये जो acquired का example मैंने अपने last video में आपको बताया था Pavlov experiment वाला students. आपको पेवलोव एक्सपेरिमेंट्स को अगर डिटेल में देखना है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन सो उसमें क्या था इस एक्सपेरिमेंट में एक पेवलोव नाम के साइंटिस्ट ने दिया था जो कि डॉग पे एक्सपेरिमेंट था मैंने उस एक्सपेरिमेंट में काफी डिटेल कंडीशन भी लिखी हुई है इसमें सिर्फ ये था कि ये एक नेचुरल अप्लाइड किया गया था नेचुरल स्टिमुलस और इसमें एनिमल को लर्न टू एसोसिएट कंडीशन स्टिमुलस लाइक रिंगिंग ऑफ बेल्स रिलेटेड था विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस एंड गिव द सेम रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड और कंडीशन रिफ्लेक्स सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल एंड एक्वायर्ड रिफ्लेक्स स्टूडेंट्स एंड आई होप दिस विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर इफ यू फील एनी डाउट स्टूडेंट्स यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन And share my this video with your friends as more as possible. Thank you, my dear students. I hope we will meet soon. Bye bye. Take care.